हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा बनी हॉट सीट, बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाया। कंगना रनौत के मुकाबले कांग्रेस ने भी उतारा हैवीवेट कैंडिडेट। सुखू सरकार के मंत्री और 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी। विक्रमादित्य सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से कंगना के लिए टफ हुई लड़ाई। मंडी जिला बीजेपी के जयराम ठाकुर का गढ़, लेकिन रामपुर और इसके साथ लगते इलाकों में वीरभद्र परिवार का दबदबा। मंडी लोकसभा सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा। 2021 के उपचुनाव में जीती थी वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद सहानुभूति लहर का मिला था फायदा। प्रतिभा सिंह से पहले मोदी लहर में लगातार 2 बार मंडी सीट पर खिला कमल। 2014-2019 में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा जीते। 2014 में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को हराकर संसद पहुंचे थे बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा। करीब 40,000 वोटों से दी थी शिकस्त। कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है मंडी लोकसभा सीट। अब तक हुए 19 चुनावों और उपचुनावों में 13 बार कांग्रेस ने मारी बाजी। मंडी लोकसभा सीट पर 1952 में हुआ था पहला चुनाव कांग्रेस के गोपीराम के नाम पहली जीत। शुरुआती 5 चुनावों में मंडी सीट पर रहा कांग्रेस का कब्जा। 1971 में पहली बार मंडी से सांसद बने थे वीरभद्र सिंह, लेकिन अगले चुनाव में भारतीय लोकदल के गंगा सिंह से मिली थी शिकस्त। इसी हार के साथ टूटा था कांग्रेस के लगातार 5 जीत का सिलसिला। 1980 में वीरभद्र सिंह ने गंगा सिंह से लिया पिछली हार का बदला। 2009 में भी मंडी से जीतकर लोकसभा पहुंचे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री। वीरभद्र सिंह के अलावा सुखराम और प्रतिभा सिंह के नाम भी 3-3 बार मंडी से सांसद रहने का रिकॉर्ड। प्रतिभा सिंह 1 बार चुनाव तो 2 बार उपचुनाव में जीती। 1989 में मंडी में पहली बार खुला था बीजेपी का खाता। कांग्रेस के गढ़ में कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह ने खिलाया था कमल। अब तक 5 बार मंडी से जीत चुकी है बीजेपी। 1989 के बाद 1998 और 1999 में महेश्वर सिंह ने फिर से खिलाया कमल। 2014-2019 में भी जीती बीजेपी। मंडी सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा। पहले चुनाव में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण ही रहा। कंगना रनौत का भी मंडी की राजपूत बिरादरी से ताल्लुक। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए ही कंगना को मैदान में उतारा। राजपूत को और ब्राह्मण वोटर बहुल मंडी लोकसभा सीट पर 33.6% राजपूत और 21.4% ब्राह्मण आबादी। अनुसूचित जाति के 19.85% वोटर भी निभाते हैं बड़ी भूमिका। मंडी संसदीय सीट पर राजघरानों का दबदबा। राजकुमारी अमृत कौर वीरभद्र सिंह समेत 13 बार राजघराने से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों की जीत। मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 17 सीट। 2022 के विधानसभा चुनाव में 12 पर जीती बीजेपी। सत्ता में आई कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 ही सीट। पिछले कुछ लोकसभा चुनावों में मंडी में तेजी से बढ़ा है बीजेपी का ग्राफ। 2009 के 45.9% वोट शेयर के मुकाबले 2019 में 69% वोट मिले। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। 300 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर है आकर्षण का केंद्र।